वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ति अजूनी सै भंकर प्रसाद जाप आद सच युग आद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक अद्वितीय गुरु नानक देवा ओंकार गुरु अंगद भेव सतनाम गुरु अमर प्यारे करता रामदास गुर बारे पुरख श्री अर्जुन सुखदानी निरभउ हर गोविंद गुण खानी निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूर्त हर कृष्ण त्याए अजूनी तेग बहादुर राय सैभं गुर दशमेश सहाय गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञान वाहिगुरु बंधन भगवान वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदार जो शरदा तर सेव है सोतर पव पार गुरु दर्श जे देखना श्री ग्रंथ दर्शाए बात करण गुर सोच है पढ़े ग्रंथ मन लाए जो मुझ वचन सुनन की चाहे ग्रंथ विचार सुनो चित लाए मेरो रूप ग्रंथ जी जान या मह भेद न रंचुक मान वाहिगुरु गुरु ग्रंथ जी उबे जहाज उदार गुरु ग्रंथ कल युग भयो गुरु ग्रंथ कल युग भयो श्री गुरु रूप महान दस पातशाहियां रूप एहो गुरु ग्रंथ जी जान गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पे है गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पे है अकाल की मान्यो ग्रंथ आज्ञा पे है अकाल की गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पे है अकाल की गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई है अकाल की मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई है अकाल की गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई है अकाल की पई है अकाल की आज्ञा पई है अकाल की पई है अकाल की आज्ञा पई है अकाल पई है अकाल की आज्ञा पई Thank you.
सिखन को हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुणा की दे, जो प्रभु को मिल भोजन है भोज चमज में दे, सत्कार योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जी सारिया संगतां गुरु प्यार विच आ के फतेह विच सांझ पाउण दी खेचल करो जी, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक दे 11वें स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन ते पवित्र हजूरी दा आप सारियां संगतां आनंद माण रही हैं। गुरु की पावन हजूरी विच आए हुए महापुरुषां प्रचारकां रागी सिंह साहिबानां तों बड़ी देर तों लाहा प्राप्त आप जी कर रहे हो, जो हुण समाप्ति तक समा अपने कोल बचदा है, इनू सफला करन वास्ते थोड़ा जा एक ख्याल रखना कि जो गुरु ने मर्यादा बनाई है वह मर्यादा भंग ना हो जाए। उहदे नाल लाहा भी सानू वध मिलेगा, समा सफला होगा तो गुरु की आग्या मनण दा फल मिलेगा, गुरु की खुशी मिलेगी। जदों सिख आ गया तो बाहर हो जाए फिर गुरु की खुशी नहीं मिलती, उहदे हुक्म विच रह के। गुरु का हुक्म की है, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र, ये गुरु का हुक्म है। वैसे तो पंज निजम हैं, सब तो पहली बात श्रद्धा की है, गुरु के उत्ते 100% विश्वास होवे, जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रतीत। श्रद्धा नाम विश्वास का है, श्रद्धा का अर्थ ही है भावना, प्यार भी होना विश्वास भी होना, यह दूसरा गुण है। निर्माणता माण तो रहत हंकार तो रहत होना तीसरा गुण है। सावधानता शरीर आलस तो रहत होना यह चौथा गुण है। मन जिहड़ा है वह संकल्पां विकल्पां दे बहन विच रुड़िया रहिंदा है हर वेले। संकल्प केवल उहदा रुख बदलिया जा सकता है, संकल्प मिटिया नहीं करदा जिन्ना चिर जीवन संकल्प चलता रहिंदा है।
ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਪਏ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਇਓ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਦੋ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਸਾਂਝੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣੀ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬੈਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬੀੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀਏ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਖ਼ਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਗਈ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਛੇਨੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕਰਾਊਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਸੂਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚਿਤਵਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਬਣੀਆਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਲਣੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਜ, ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਜ ਪੋਛੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਾਜ ਦੀ ਲਾਜ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਜਾ ਕੇ
राज मुकुट गुरु दे हवाले कीता कि बादशाह दे सिर ते रख दियो। गुरु अपने हत्थां विच लै के उस ताज वल वेखदा रहा, इंतजार बादशाह कर रहा, ताज सिर ते क्यों नहीं रख रहे, देरी क्यों हो रही है। वजीर अमीर बैठे दे रहे ने, कारण की है, गुरु ताज वल ही वेखी जा रहे। फिर मन विच कई तरंग उठे बहादुर शाह दे, आखिर बहादुर शाह नूं बोलना पिया, पातशाह की गल है, ताज वल वेखी जांदे हो, सिर ते रखण विच देरी कर रहे हो। बहादुर शाह ये ताज कई यादां लै के आया है, ताज वल वेख के तेरा बाप याद आ गया। मैं ख्यालां दे नालों पुछदा सी तेरे नलायक बाप नूं कि आ वेख, ये ताज तेरे सिर ते भी सी, सवा सवावन जंजू लाउण वालिया, जदों तू ताकत विच सी तू मेरा बेड़ा खाली कर दिता, पुत्रां दा भरिया होया, मेरे चारे पुत्र शहीद कर दते, तेरे हत्थां ने मेरे पुत्रां दा खून तू अपने हत्थां दे नाल, क्योंकि हुक्म दा आखर तेरा सी, बहादुर शाह तेरा बाप अज जिउंदा हुंदा, उहनूं गुरु दी अवस्था दा पता लगदा कि तू मेरे पुत्र मरवाए ते मैं तेरे पुत्र नूं ताज दे रहा उन्होंने हत्थां दे नाल। सतगुरु पुरख निर्वैर है, गुरु इस अवस्था दे विच है, ना को वैरी ना है बेगाना, अपनी कीती दा फल पाउंदा जो भी पाउंदा। तारा आजम ने फल पाया, अपनी कीती दा पाया है। ना दिसे बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, दिसे बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, जिसे बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, जिसे बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, ना जिसे बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी। ना को वैरी, ना को वैरी, वैरी ना को वैरी, ना को वैरी, ना को वैरी, बगाना जी ना कोई बैरी, ना दिसे बगाना ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, ना दिसे बगाना जी ना कोई बैरी, ना कोई बैरी, ना को वैरी नहीं बेगाना। सगल संग हम को बनियाई ब्रह्म बेते जी, ब्रह्माकार बिरति होने करके उदी दृष्टि दे अंदर, क्योंकि ब्रह्माकार बिरति है, ब्रह्मे ब्रह्म दिस रहे, सब है ब्रह्म, ब्रह्म है पसरे,
इस करके जब तारे को बैरी मीत तब लग निह चलना ही ची। गुरु साहब सम बिरति विचन कहन लगे ओ मेरे तेरे बाप दी गल याद आ गई, इस करके महाराज साहब सचे पातशाह ने ताज उहदे सिर ते रखिया। समा आया फिर क्या कि भाई हुण तू अपना वादा पूरा करन वास्ते पुछया कि महाराज दसो, सतगुरां ने 17 बंदियां दी लिस्ट जारी की थी। कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं, बहादुर शाह इस वेले मैं ये सोचदा कि तू धर्म का कार्य करेगा। यह 17 बंदियां ने बड़े जुल्म किए हुए ने, इन 17 बंदियां नूं सज़ा जिहड़ी है ये हुण देण वास्ते इन्हां नूं पकड़ के खालसे दे हवाले कर दे, सिंह जानन इन्हां दा कम जाने। हुण आपां जंग युद्ध करन दी मेरे मन दे विच वी कोई खास बात नहीं, वी उह मैं नहीं चाहुंदा, जो है ठीक है। 17 बंदियां नूं डन जरूर देना, इन्हां दे पापां दा बेड़ा भर गया है, इसलिए हुण तेरी जिम्मेवारी। कहण लगा पातशाह, हुणे हुणे जे मैं राजगद्दी ते बैठे हाँ, जे हुण इस तरह फड़ोफड़ी जारी कर दिती, 17 बंदे फड़े, इन्हां च कुछ वजीद खां वर्गे सूबा सरहंद है, बगावत हो जाएगी, थोड़ा जा मेरे पैर जम लैण दो, 5-7-10 साल लंघ जाण दिओ, फिर मैं ये काल। महाराज कहिंदे 10 साल कोई बात नहीं, बस तेरी परखना सी, तू फेल है इस परखना च। आने दे समा मैं तेनू दसांगा, जो दिल्ली का तख्त नहीं कर सकिया मैं अपने एक बंदे तो करा देंगा। तू की समझना है ये केड़ी बात है, ड्यूटी सी, गुरु का कहन वाला सी तू, गुरु करदा आसान सी तेरे ते, नहीं तेरे कर्मां च सेवा, तेनू तां सेवा दित्ती सी, जिहदे कर्मां च ओह कर लेगा। सतगुरु दक्षण वाल रवाना होए, इतिहास इस गल का भी इशारा करता है कि मरहटियां का जिहड़ा आगू सी ना शिवा जी, बड़ा सूरबीर सी, दा पुत्र सी संभा जी। एक थां ते इतिहास चों इह गल मिलदी है कि संभा जी ने एक चिट्ठी लिखी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं, पातशाह संसार दे विच बहुतियां कौमां बहादुर नहीं हन, 3 कौमां ने जिन्हां दा बहादुरी दे विच नां है। पठान नूं बहादुर मन्निया जांदा सी, मरहटे जिहड़े ने इह मर जांदे ने, इन्हां दा नां दसदा है जिहड़ा मर के वी ना पिछे हटे, मर जाए पर पिछे ना हटे, मर हटा। इसलिए मरहटे सारे एक थां ते लड़ मरन नूं तैयार ने। मैं सुन चुका तेरे एक एक सिपाही ने पातशाह 125,000 का मुकाबला कीता है मेरे मरहटियां दे नालों तेरे सिख अगे ने। गिणती भावें मरहटियां दी भी थोड़ी है ते सिखां दी भी थोड़ी, इह शक्ति जे अलग अलग रही तां देश दा कुछ नहीं बनना। वास्ता रब दा है सतगुरु, तूं दक्षण दी धरती विच आ, आपां मरहटियां ते सिखां दी कट्ठी फौज बना के इह देश नूं आजाद कराइए जुल्म करन वाले कोल। इह इक चिट्ठी सी संभा जी दी, जिहड़ा शिवा जी दा पुत्र सी मरहटा। सतगुरु दिल्ली वल इह कार्ज करके दक्षण वल तुर पए। चिट्ठी उहने पाई, इतिहास दे विच उहदे तत्थ आ गए, पर गुरु नूं तां इह पता वी किहदा किहदा आधार करना, मूले वर्गे साहे दी जून च पए फिरदे ने, किहड़े किहड़े तार ने, गुरु नूं तां आप पता सी वी की करना। कल्ली चिट्ठी दे कारण ही नहीं चले गए सतगुरु, ओह रूहां भी हैं। दादू पंथियां दे अस्थान ते भी गए, जीवन वर्गियां दा मेल भी होया, बंदा सिंह बहादुर गोदावरी दे कंढे ते इहनूं मिलणा, इहदा तां आधार करना सी, इहदा गुरु
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੋਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੁੰਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੰਗਾ ਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਊਆ, ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਖੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨ। ਫਲ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਡੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਤ ਵਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਝੱਟ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੀੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਖਿਤ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚਲੋ, ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ। ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਵਿਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਪੰਜੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵਿਰਾਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਭਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ।
पर संभा जी के मरण की देर से मराठिया का सारा सिलसिला खिंड पुंड गया। नेक जरनैल एक होवे, फौजां जिन्नियां मर्जी होण। शाह मुहम्मद ने एवें नहीं सी कहा, शाह मुहम्मद एक जरनैल वाजों फौजां जित के अंत नूं आ रही। जरनैल बड़ी गल हुंदी है। संत तो होर भी बथेरे महापुरश, एक संत जरनैल सिंह तो उन्हां दी तपस्या तो प्रभाव तो सारा पंथ क्यों इकट्ठा हो गया सी। महापुरश हुण भी है कि साडे कोल, बड़ा फर्क हुंदा इस गल दा। सतगुरु महाराज ने जंग दे ख्याल बंदा सिंह बहादुर विच भर दित्ते सारे। आप हुण देखिया भी समां हुण जाण दा नेड़े आ गया। ये जान के महाराज पता सी कि मेरी धर्म सपत्नी मेरे महलां दा अंतस्करण कितना निर्मल ते पवित्र है। ये चोट सहार नहीं सकेगी जदों मैं दसांगा कि मैं संसार तो जा रहा। सतगुरां ने बड़ी भूमिका बन के कहा, साहिब कौर देखे संसार चलदी सराह है, एक आव है एक जाहे उठ, एक कौंदे ने एक चले जांदे ने। संसार दे अंदर कोई भी सदा थिर नहीं रह सकता। सराह है, सराह दे विच हमेशा वास्ते कोई भी नहीं रहिंदा। ये रमजा मारदे रहे, माता नूं पता नहीं चलिया। कहन लगे साहिब कौर ने, मेरी आग्या है कि तुसां हुण दखण दी धरती छोड़ के वापस दिल्ली चले जाओ, जिथे तुहाडी वड्डी भैण सुंदर कौर है उहदे कोल चले जाओ। कहण लगे क्यों महाराज? मैं तुहानूं छड के वापस किवें चली जावां? और मैनूं इह अज वचन तुसीं क्यों कीता है? अगे तां कदी नहीं कहा। कहण लगे अगे इस लई नहीं कहा कि समां नहीं सी आया, इह कहण दा समां अज है। महाराज फिर तुसी मैनू कारण तो दसो। कहन लगे साहिब कौर कारण कोई नहीं, मैं किसी होर देश में चले जाना है। इतों क्योंकि महाराज सुभावक ही गल्लां करदे सन, माता दे फिर समझ नहीं आई। होर देश में चले जाना महाराज, जिवें दक्षण देश में मैनू नाल लाए, होर देश में जाना है उत्थे भी मैनू नाल लै चलो। माता सुभावक ही कहिंदी। महाराज ने कहा स्पष्ट ही कहना पएगा, ओले दे नाल कम चलेगा नहीं। कहन लगे साहिब कौर जेडे देश नूं मैं हुण चलिया, ओ देश विच कल्ले कल्ले जाण दी उमर ज्यादा है। उत्थे कोई किसे नाल नहीं जा सकदा। जे कट्ठे इक अग च सड़ के भी मर जाण तां वी कल्ले कल्ले जाणगे, नहीं कट्ठे जा सकदे। सतियां सड़ जांदियां ना, कई बंदे मर जाते नाल, वह कट्ठे नहीं जाणगे। हाँ किते किते गुरु की अपनी समर्था होवे किसी नूं नाल लैके जाण दी, जिवें गुरु अर्जन साहब चंदू की नूँह जिहड़ी सिख की बेटी सी उहनूं बचन करके नाल, वह एक बात अलग है। माता दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई, मानो सब कुछ लुटिया गया, उजड़ गया संसार। अखां भरियां भर के डुलियां, कंठ रुक गया। जिहड़े कोल सिख बैठे सी वह भी अखां भर आए। नेत्रां चों पाणी सिट के माता ने कहा, माता जी ने नैन भर तब बचन बखाना। माता जी ने नैन पर तब ऐस बखाना, इउं बचन कीता। अच्छा फिर जे तुसी मैनू भेज दे हो फिर दर्शन कब होएगो? साइया ये दस फिर मुड़ के दर्शन कदों होणगे?
फिर दर्शन कब होएगो सुन ज्ञान निधाना, हे ज्ञान दे समुंदर पति मुड़ के ऐं तां दस दे फिर मिलेगा किते। संसार दी खेड ऐसी रब ने बना दती, सदा ना अपने बैठे रहने, ना अपने बुजुर्ग बैठे ना अपने बिच, ना अपने गुरु पीर शरीर करके बैठे। गुरु का इतिहास कुछ ऐसा है, विछोड़े की अग ओदियां लाटां निकल गई हिरदे दे विचों, ओदा धुआं आ गया अखां दे विच पै गया, विछोड़े की लाट ने अखां चों पानी कढ दिता। कहण लगी महाराज ये दुख सहन करन वाला नहीं, किवें झलेगी साहब कौर ये दुख। चलिया न जावे सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा। चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा। प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा, प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा विछोड़ा, प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा विछोड़ा, प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा, प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा विछोड़ा, प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा विछोड़ा, प्यारे दा विछोड़ा सा तू प्यारे दा। चलिया न जावे सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया न जावे सा तू प्यारे दा विछोड़ा, चलिया नहीं जाना सा तू प्यारे दा विछोड़ा। जिस प्यारे सुने हो ये शब्द उस गुरु के हिरदे चो निकले जदों गुरु नानक दे विछोड़े ने गुरु अंगद देव महाराज नू इन्ना बेबल कर दिता। हालांकि जगत गुरु बन की बड़ियाई मिल गई, पर यह बड़ियाई गुरु नानक दे चरणा का प्यार ही इन्ना सी भाई लहना जी नू। गुरु बन के भी कहिंदे जिस प्यारे सुने हो तिस आगे मर चली है त्रिग जीवन संसार तां के पाछे जीव। जदों इस गल नूं गुरबाणी दे विच वेखोगे पति पत्नी दे रिश्ते केवल संसार दा विशे सुख लैण वास्ते नहीं होया करदे। अगर इस रिश्ते नूं समझा जाए ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੋ ਹਨ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਮੂਰਤਾਂ ਦੋ ਹਨ, ਤਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਕਿਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
हनुमान नाटक विच ये वचन आउंदा है, पुछया सी राम जी ने मेरे तो बिछड़ के हनुमान जिउंदी रह किवें गई, मैनू तां ये हैरानी है, मैं तो यह समझदा सी सीता मर गई होगी, मेरे तो बिछड़ के जिउंदी नहीं रह सकती। हनुमान ने जवाब दिता, कहिंदे राम जी जिउंदी तां है पर नाम मात्र जिउंदी है, वो मौत दा देवता लैण लई आउंदा पर सीता माता हुंदी नहीं, उत्थे लिजावे किनू, काल आउंदा मुड़ जांदा है। कहिंदे क्यों, आवत है पर पावत नाही, सीता नूं नहीं पाउंदा उत्थे। कहिंदे क्यों महाराज, सीता तां शरीर उत्थे आ, थोड़े चरणां च वसदी है, इत्थे उहदे प्राण इत्थे वसदे है। पति पत्नी दा और फिर संसार दे विच इक्को ही ऐसी पति पत्नी दी यह जोड़ी है, सारी जिंदगी इकट्ठियां ने बतीत कर दिती होवे, तिना पत्नी नूं कदे संसार दा विषय दा फुरना फुरिया होवे, तिना पति नूं सारी जिंदगी पवित्रता विच लंघा दिती होवे, शरीरक संबंध ही कोई नहीं, केवल आत्मक संबंध होवे। ओ माता साहब कौर कहण लगी, स्वामी, गुरु साहब कहण लगे, रोण वाली केड़ी बात है, राणा रौना कौर है। कहण लगी, महाराज देखो, स्त्री जाति दे तीन क आसरे न, पहला आसरा है पिता दा घर पेके, ये बहुत बड़ा आसरा है, किसी तरह की कोई मुसीबत पै जाए पेकियां का बड़ा माण हुंदा है, बीबियां नूं मेरे पेके, ये रिश्ता किन्नी देर तक है, जदों पति तेरे लड़ ला दिता मेरे बाप ने, ये रिश्ता धियां वास्ते केवल माता पिता तक पेके सीमित न, जिदन संसार दे किसी धी दे माता पिता चले जाण, समझ लो पेके खत्म हो गए, पेका नहीं रहा। ये तो माता पिता के नाल ही होंदे ने, जो माता पिता नूं धी दा हित है वह भरावां नूं नहीं होया करदा, किते किते लायक भरा होण हो सकदी है बात, नहीं तो भरजाइयां फर्क पा देणगियां, भरावां दे हिरदे च फर्क पै जाऊ, माता पिता दे नहीं पै सकदा, उहनां दे जिस्म दा टुकड़ा है, वह किवें चलण। महाराज पहला आसरा मेरा खत्म हो गया, जिदन मेरे माता पिता मर गए मेरा पेका घर खत्म हो गया, ये तो आसरा ही नहीं रहा। दूसरा पति का घर, तीसरा आसरा होंदा पुत्रां दा, मेरे को कुछ भी नहीं है। धन मेरे को नहीं, पुत्र मेरे को नहीं, ते पति सी कला। साइया तेरे घर दे विच चार पुत्र खेडदे सी, तीन तेरियां पत्नियां सी, असी मैं तेरे फतेह सिंह नूं चुक चुक के गोद विच खड़ाया, लोरियां दतियां, तुर गया मेरे अखां दे सामने, मैनूं ओह दिन याद आउंदे ने जदों तेरे साहबजादे मैनू छोटी मां कह के बुलाया करते, मेरा हिरदा ठंडा हुंदा सी, मेरे ने पुत्र बना रहे, वो भी आसरा खत्म हो गया, ते हुण मैं किस आसरे जीवांगी, तुहाडा ही तां आसरा सी तुसी चले, फिर दर्शन कब होएगो, सुन ज्ञान निधाना कदे होणगे दर्शन। महाराज कहिंदे, साहिब कौर तां नदियां दे बहण दा पाणी है, जदों इक वारी बिछड़ जाए, कदे होणगे सबबां नाल मिले नदियां दे नीर बिछड़े, कदे होणगे सबबां नाल मिले नदियां दे नीर बिछड़े, कदे नदियां दे नीर विचे।
पंछियां दे पति पत्नी दे रिश्ते दा संकल्प है। पंछियां च भी रिश्ते न, पंछियां च भी संतान दा रिश्ता है, पंछियां च भी माता पिता न, पति पत्नी दा रिश्ता पंछियां च भी है। पत्नी दा नाम है चकवी, पति दा नाम है चकवा, यह गुरबाणी च संकल्प है इसका। कबीर साहब ने इसकी उदाहरणा दिती है कि जिहड़े परमात्मा तो टुट गए उन्होंने एक प्रमाण दिता है, चक्की जौ निस विछड़ै, चक भी अपने पति तो रात को बिछड़ जाती है। वो विछोड़े का कारण भी मैं आप जी संखेप नाल कह दिना, आए मिलै प्रभात जदों सवेर हुंदी है वो अपने पति को मिल जाती है, रात को विछोड़ा रहिंदा दिन को मेल हो जाता है। जो नर बिछड़े राम सिंह, दिन मिले ना रात, वो कदे वो तो दिन नू मिल गई तो दिन नू भी नहीं मिलेगा ना रात नू मिलेगा। वो उदाहरण दिती कबीर साहब चकवी दे, चकवी सूरज हेत है मिल होन सखाले। भाई गुरदास कहिंदे ने चकवी जिहड़ी है सूरज दे नाल उहदा बड़ा हित है। क्यों, की लगता सूरज, सूरज आकाश विच रहिंदा है, लखां करोड़ां योजन ते रहिंदा है, ते चकवी दा क्यों हित है उस दे नाल। चकवी आसान मनदी है सूरज दा, इसलिए उहदे नाल हित हो गया उसका। जिन्नी देर तक रात है, रात दा भावें एक घड़ी अद्धी घड़ी रात बाकी है, रात एक उन्हां दे पति पत्नी दे रिश्ते दे विच दीवार है। जिन्नी देर तक रात बाकी रहिंदी है उन्नी देर तक विछोड़ा भी बाकी रहिंदा है। सूरज चढ़े तो रात नहीं रहिंदी ते विछोड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए चक भी सूरज हित है, उहदा हित है उहदे नाल। पातशाह ने प्रमाण दिता कि रात भर जागदी रहिंदी है। बड़ी आश्चर्य बात, चकवा नहीं जागता रहिंदा, चक भी जागती रहिंदी, इंतजार करती है कि सूरज हुण भी चढ़िया, हुण भी चढ़िया, सूरज का आवाहन करती रहिंदी है सारी रात।
ਚੱਕਵੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਵੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨਹਿ ਚਾਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਕਵੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨਹਿ ਚਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ? ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਛੀ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਚੱਕ ਵੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੂਰ ਚੜ੍ਹੈ, ਸੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨੈਣੀ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕ ਵਾਹ ਖੁੰਜੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖੁੰਜੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੈ, ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਲੀਏ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਨਿਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਕਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਬੀ ਪਤੀ ਇਹ ਰਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਆ ਸੀਆ ਊਚ ਪੁਕਾਰਤ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੀਤੇ, ਹੈ ਸੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਨਵ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਖੋਈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ, ਭਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਛਮਣ ਔਰ ਭਰਤ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਨ ਵੀ ਲੀਲਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਉਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਪਾਓਗੇ ਮੁੜਿਆ ਆਊਗਾ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਵੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਮਖਿਆਲ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਵੀ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਵੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੱਕਵਾ ਚੱਕਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਵੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨਹਿ ਚਾਹੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੂਰ ਚੜ੍ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੈ ਨੈਣੀ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਚੱਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੈ, ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਗੈ,
इस तरह गुरु की प्रीति गुरसिखा के अंदर है, ये प्रमाण दते। हुण इत्थे गुरबाणी दे विच इह विषय का एक ये उपदेश है कि ब्रह्म है जिहड़ा, परमात्मा जिहड़ा, रब जिहड़ा है, वह समझ लो चकवे की न्याई है, पंछी नहीं। ये नहीं कि ब्रह्म पंछी हो गया, ये उदाहरणा, वह ब्रह्म है जिहड़ा चकवे की न्याई, जीवात्मा चकवी की न्याई है। सूरज किहड़ा है? गुरु रूप सूरज है। रात किहड़ी है? अविद्या की रात है। जिन्नी देर तक अग्ञान है उन्नी देर तक चकवा रूप ब्रह्म के दर्शन नहीं होंदे, जिन्नी देर तक सूरज ना चढ़ जाए। सूरज ने अविद्या की रात खत्म करनी है, गुरु रूप सूरज ने ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ये भी ये गूढ़ रहस्य है। खैर चलो, आप इतिहास का तथ्य लैके चल रहे हैं। माता साहिब कौर ने, माता जी ने नैन भर नेत्र भरे हुए ने, ये बचन कह दते, तब ऐस बखाना फिर दर्शन कब होएगो सुन ज्ञान निधाना। महाराज कहिंदे निराकार दे विच तू समा जाना, जाके निराकार च मैं समा जाना। सरगुण स्वरूप दे दर्शन दी ये तो मिथ्या है। मेरा शरीर जिहड़ा मैं तेनू देख रहा ये भी मिथ्या है, तू मैनू ये तो मिथ्या है। मैं अपने सिख नू मिथ्या नाल जोड़िया ही नहीं, कदे मैं जोड़ दी शब्द नाल। कहण लगे महाराज, जदों दखण की धरती नू तुहाडे नाल आई सां, मैं एक प्रण कर लिया सी, जदों तुसीं सरसा दे किनारे ते विछड़े होए मैनू वापस मिल गए, मैं एक प्रण कर लिया कि पति दे दर्शन करे बिना प्रशादा नहीं छकना। हुण दसो मैं की करां, ये तो बेहतर है मैनू आग्या दिओ, मैं भी अपने प्राण त्याग दिया। महाराज कहिंदे सतियां ए ना आख्यान जे मड़ियां लग जलन, सतियां से ही नानका ज बिरह है चोट मरान, नहीं तेरी प्रारब्ध बाकी। फिर महाराज मेरे प्रण का की होऊ? कहिंदे तेरा प्रण मैं निभावांगा, निभेगा तेरा प्रण, क्योंकि सच्चा है तेरा प्रण। महाराज किवें निभेगा? कमर कसा सब अपना, एक निज तस्वीर दै कर भाख्यो, इसी को मम लखो शरीर। साहिब कौर आ मेरे कमर कसे दे शस्त्र हन, लै जा दिल्ली चली जा अपनी भैन कोल, इन्हां नूं सजा के रख दी, क्योंकि मैं शस्त्रां दा सत्कार खुद करदा रहा। सिर तर तरे न शस्त्र को अदब सहत तर पास, सराणे दे हेठ कदे कृपान नहीं धर के सराणे दे उत्ते पैना। अंग संग लायो रहै करे न रिप विश्वास, ये गुरु दे हुक्म दते हुए न। अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर अवतीर, साहब सरोई सहत यही हमारे पीर। जिमें असी गुटके नूं जूठा हाथ नहीं ला सकते, कृपान नूं भी जूठा हाथ नहीं ला सकते। मैदान जाण वेले इहनूं सिर ते बन्नदे आ, सत्कार रखना। महाराज कहिंदे इहनां नूं सत्कार दे नाल पढ़ंगे ते सजा लमी, जप जी का पाठ करके फिर अरदास करनी है। जदों अरदास करके नेत्र खोलेंगी साहिब कौर, इहनां शस्त्रां दे विच मेरे दर्शन होणगे तैनूं, फिर तू गप्पा चक लिया करी। कमर कसा अपना, कमर कसा दे करके सब अपना, एक निज तस्वीर दे कर भाख्यो, इसी को मम लखो शरीर, मेरा शरीर जान लै इस नूं। यह सुन बेबल होए गई, कोई उतर ना आ रहा। यह सुन बेबल होए गई, माता मुरझाई कमला गई। माता इतिहास ही कहिंदा भी बिल्कुल कमला गई, जिमें किसी पौधे की जड़ ना रहे ना पौधा कमला जांदा, कहिंदे इउं चेहरा कमला गया माता दा। आग्या निज पत प्रभु की, आग्या अपने पति रूप परमेश्वर दी, परमेश्वर रूप पति दी आग्या। आग्या निज पत प्रभु की न जाए मटाई, ए मेटी नहीं जा सकती। हुण भाणा अमिट मन के ते सतगुरु महाराज ने बचन दते, कहण लगे साहिब कौर तेरा पुत्र अजे बालक है, 9 वरिया की उम्र है तेरे खालसे की, अजे गिण के वेख लै, अपने पुत्र नूं बड़िया करके पाल के फिर आ जावीं। कदी नहीं समझना कि तेरे 4 साहिबजादे सी,
इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत लाख हजार लख हजार सिख जिंदे रह, ये सब तेरे ने। जेड़ा भी अमृत छकेगा तेरा पुत्र बजेगा, तेनू मां कहेगा मैनू पिता कहेगा, ये रिश्ता होया। खालसा बड़ी सेवा करेगा तेरी। ज्ञानी ज्ञान सिंह एक संस्कृत की सुरती लिखता इत्थे कि जदों माता तुरन लगी संस्कृत अखर कहिंदी निराशे न तिष्ठती पंडिता बन लेता, ये कह के रो पई, निराश हो के माता रो पई। भाई मनी सिंह नूं हजूर ने हुक्म किया, मनी सिंह हमारा बड़ी सेवा करनी है शेरा पंथ की, तू मनी सिंह मैं तेरे ते बड़ा खुश हाँ। महाराज खुशी वाला कोई है जी? कहिंदे देख जेड़ा परिवार तेरी सरप्रस्ती हेठ उस ही सलामत रहा, बाकी परिवार के दो हिस्से सलामत नहीं रह सके, तू राखी की परिवार की अपनिया मातावान तत्ती बा नहीं लग। महाराज ये तो तुहाड़ी खेड है सारी, मैं कौन है करन वाला, काठ की पुत्री कहां करे वपरी खिलाफ नहारो जाना है, ये तो तुसी खेड कर रहे हो। इस करके माता जी उत्थों चल के दिल्ली आ गए। माता सुंदर कौर नूं पता चलिया मेरी भैन छोटी आई है। इतिहास उत्थे जो कुछ अखर इतिहास दे उकरे न पत्थर दिलां नूं रोण वाले न, कहिंदे पति पुत्रां ते पति दे वियोग विच दोनों गल मिल के उन्हां दे विछोड़े दियां असह पीड़ां कुदरती बात है। बड़े बड़े भाणा मनण वाले जदों किते अपना कोई हेतु मिल जाए उदों फिर अपने मन नूं काबू नहीं रख सकते। एक बीबी का नौजवान 21 वरिया का पुत्र चढ़ाई कर गया इटली दे विच, बड़ा भाणा मनिया उस बीबी ने, इको एक पुत्र उही चला गया। जदों पितर नूं पुत्र नूं दाह संस्कार करन वास्ते चिखा ते रखिया वो बीबी ने खुद जकारा छड़िया सी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, हंज नहीं बहाई एक भी, कहा साइया हे गुरदेव पातशाह मैनू भाणा मनण दा बल बख्श। बाणी पढ़ पढ़ के समा गुजारिया। जदों पुत्र दियां अस्थियां लैके पंजाब आई इटली तो ज्योति स्वरूप तो मैं नाल गया सी उत्थे कीर्तपुर साहब तक, मेरे नाल उस परिवार का बड़ा हित है। जिस वेले वह बच्चे दियां अस्थियां कीर्तपुर साहब जल प्रवाह करन वास्ते वो बीबी का पिता आया सरदार बहादुर अपने दोते दियां अस्थियां नूं हथ लाउण वास्ते, उदों फिर बाप नूं वेख के धी तो अपना मन काबू नूं रहा, उस वेले बीबी रो पई अखां दे विच हंजू सिट गए। मैं कहा बीबा इन्ना सिदक नभा के सिरे ते आके कहिंदे जी मेरे बस नहीं रहा, बस नहीं रहा। एक साल बाद गुरु ने अरदास सुनी, 12 जून नूं उहदा बच्चा घरों जा के वापस नहीं सी आया, लाश आई सी। पूरे एक साल बाद गुरु ग्रंथ साहिब दी इही जी कला वरती कि 13 जून नूं बच्चा पेटों पैदा हो के हस्पताल तों छुट्टी घर दी होई ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब ते नां रख्या उही नाम आया ते उही चिन्ह उहदे बच्चे दे जिस्म दे उत्ते वेखे गए। लोकी हैरान होए पए ने, वो बड़े बच्चे दा भी नाम इंद्रजीत सी, इहदा नाम भी इंद्रजीत है, ईड़ी आई उही नाम रखना पिया। उहदा कन्न इत्थों कटिया सी, इहदा थोड़ा जा एक सूत पर उपरों कटिया होया, उही कन्न उस तरह कटिया। बड़ियां चोजां, गुरु की खेड़ बड़ी न्यारी है। सो इउं सास जी कई बार भाणा मनण वाले भी अपने हितूजनां नूं वेख के फिर वो कई बार मन काबू नहीं रहिंदा। माता साहिब कौर माता सुंदर कौर नूं वेख के, सुंदर कौर माता साहिब कौर नूं वेख के, उस वेले जिहड़े कोल भी सन दिल्ली उह स्थान बणिया होया मातावां दा, उधर सतगुरु महाराज जदों वेख्या भी हुण परिवार का कोई भी जी नहीं है। बड़ी अजीब किस्म की बात है, संसार तो तुरन वाला हर व्यक्ति चाहता है मेरा जिहड़ा परिवार मेरे कोल आ जाए, आखिर वार मैनू मिल जाए।
गुरु दे कोल इको ही परिवार का मैंबर सी माता साहब कौर, यह भी कोलों तोड़ दिती, तू भी चली जा। फिर अपनी खेड बरताउन लगे, मूले खत्री वर्गों का आधार कर दिता, जिहड़े पहले जामे तो विछड़े हुए सन, ते हुण गुरु अपनी कला वरताउन लगा। इधर सूबा सरहंद नूं पता सी भी दिल्ली का तख्त गुरु के अगे झुक गया है, ते हुण मेरी खैर नहीं है। नवाब मलिक कोल ने दसता सी सारा कुछ, मैं उत्थे सी दरबार विच, हुण तेरी खैर कोई नहीं है, तेनू कहा सी भी शीरखोर बालक ना मार, हाँ दा नारा मारिया सी, तू सुनी नहीं। इन्हें फिर कुछ पठान, कुछ अपने विश्वास वाले लोग इकट्ठे करके कहा सी, मैनू कोई अजिहा बंदा चाहिए जिहदी मुढ़ कदीमा तो गुरु घर नाल बैर होवे, दो तीन पुश्तां की दुश्मनी होवे। सी आई डी ने रिपोर्ट दे दिती भी इहा जिहा खानदान है। कौन? कहिंदे पेंदे खां होया, इस गुरु दे दादे ने पेंदे खां नूं मारिया सी। पेंदे खां दा अगे पुत्र सी सेंदे खां, सेंदे खां नूं मारिया इस गुरु ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। सेंदे खां दे दो बेटे ने अगे गुल खां, ज्ञानी ज्ञान सिंह अतौले खां कहिंदा, पर कुछ खोज वाले गुरमुख कहिंदे ने जमशेद खां सी इसदा, जमशेद खां इहदा नाम सी। कुछ भी सी, आपां इह समझो भी दो पठान बच्चे, उन्हां नूं बुला के सब कुछ पढ़ा के पट्टी, पता लग गया सी भी इन्हां ने दक्षण वल जाणा है, ते फिर पहले ही मूहरे मूहरे चले गए। ते जाके नदेड़ दे हाकम फिरोज खान दे कोल जाके उन्हां ने नौकरी कर ली। फिरोज़ खान सी हाकम दा नाम। हौली हौली गुरु दे नाल मिलना जुलना शुरू किया, आए मत्था टेकिया, वापस हो गए, आ गए चले गए, आ गए चले गए, जाना आना शुरू हो गया। इन्हों दा बाप गुरु ने मारिया सी, मां विधवा होई सी पर माता नाल ही सी, इन्हां दे होर कोई है नहीं सी रिश्तेदार। कदे कदे अपनी मां नूं हिरदे की अग जिहड़ी है वह रसना ते आ जाती है, मां ये गुरु ने साडा बाप मारिया है, इस गुरु दे दादे ने साडा दादा मारिया सी, असीं इह गुरु नूं छड्डणा नहीं। सी इधरों सूबा सरहंद दे पढ़ाए होए, मूँह मंगिया नाम दिता होया सी, मां तो भी ओला रख रहे ने। मां कहिंदी सी, ओ कमबख्तो, इह निरा खुदा दा नूर है जिहदा बुरा सोचदे आ, तुहाडा बाप भी अपनी गलती नाल मरिया ते तुहाडा दादा भी अपनी गलती नाल मरिया, और याद रखियो जे मां दा आखा ना मन्या मरोंगे तुसीं भी अपनी गलती दे नाल, फिर ये पाप ना करो। बच्चों के संस्कार बदलते रहे। समा आ गया बकराईद, इन्हां दा त्यौहार है एक, बकराईद दा त्यौहार आ गया, उहदे ते नवाब फिरोज़ खां ने नदेड़ दे हाकम ने एक तीर अंदाजी कराई सी, निशाने तां सारे ने फुंडे, पर पठान दे बच्चे सारियां च अगे निकल गए तीरां दे विच। मुसलमाना ने लाणतां पाईआं, एडे बड़े निशानची हो के, एडे बड़े बहादुर हो के, पठाणा दा घर दा खानदान होवे, ओ पठाणी दे जमण वाले, ओ तुहाडे मूँह च सूर दा हड देना चाहीदा है, ये कसमां दित्तियां। क्यों? कहिंदे तुहाडे बाप दादे नूं मारन वाले गुरु दे जाके जूठे टुकड़ खाने हो तुसीं। अग भड़का दित्ती, मने मन धार लिया। तो उधर गुरु साहब ने देखा भी समा बिल्कुल देह त्यागण दा नेड़े आ गया है। मैं एक वचन कीता सी, शस्त्र सिउ अत हीरण भीतर जूझ मरों तो साच पतीजा। गुरु दा ए अपना संकल्प सी कीता होया, जदों अंत दा समा मेरा आवे जंग विच जूझ के मां, जदों अंत दा समा मेरा आवे जंग विच जूझ के मरां, जदों अंत दा समा मेरा आवे जंग विच जूझ के मरां, जदों अंत दा समा मेरा आवे जंग विच जूझ के मरां।
जंग बिच जूझ के मरा मेराया वे जंग बिच जूझ के मरा जदों अंत आत्मा मेरा जंग बिच जूझ के मरा अंत आत्मा मेरा आवे जंग बिच जूझ के मरा जदों अंत आत्मा मेरा आवे जंग बिच जूझ के मरा जदों अंत आत्मा मेरा आवे जंग बिच जूझ के मरा शब्द विच देह सेवा वर मोह यह है शुभ कर्मन ते कबू ना टरूं और दूसरा शब्द महाराज ने यह बात कही कि शस्त्र स्यू अत हीरण भीतर जूझ मरो तो सच हे मेरे अकाल पुरख मैं सुरमिया वाली मौत चाहना शरीर की जदों जिसम दे त्यागण का समा आवे बहाना जिहड़ा है शस्त्र दे प्रहार दे नाल जाना चाहना उन्हां नूं रमजो रमजी युद्ध क्रीड़ा की खेड खेडद्या भी उन्होंने कहें सी होर तो जोड़े महने मेले मारे मारे गुरु ने आप भी कहा केंद्र वो संतान लैक नहीं होंगी नलैक होंगी जेडे बाप दादे का बदला ना लै सके ये बचन भी सन गुरु ने खेड रची है जिदा एक सिपाही सवा सवा ना लख लड़ सकता है उन्होंने ये पठान बच्चे ने की मानना सी ये तो खेड है पाली शहर के रहन वाला एक कारीगर दो कृपाना इको जी बड़िया तेगा मजबूत तेगा लैके आया महाराज ने भेट कीतियां म्यान तो कढ़िया ये बच्चा ये भी गुलखां भी उत्थी बैठा सी अतौले खां बैठा उन्हों कट के देखिया परखिया जो के देखिया हाथ मुठा पा के उन्हों घुमा के देखिया कहिंदे बहुत सुंदर बनी है कारीगर नू सिरों पा दिता ते एक कृपान उन्हां चों गुलखां नूं महाराज ने बख्शिश कर दिती गुलखां तू शस्त्र दा प्रेम करन वाला है सूरमा इसलिए तेनू तेग देना है देख तां कैसी है ते मैनू बाहर कढ़ी देखी उसने परखी कहिंदा पातशाह अति सुंदर है कहिंदे फिर दस इस तेग नाल जे बंदे दे उत्ते वार करें तू इक्को ही वार विच उहदा सिर वढ सकदा पातशाह पुछदे महाराज की गल कर दिती जे झोटे का सिर कहो मैं एक बार ना उहदा भी बढ़ सकदे ना तेग ही बड़ी सुंदर है महाराज कहिंदे इतना हंकार भी चंगा नहीं मानव के परखने को मामला कसौटी है कहिंदे समां दसेगा बच्चू समां दसेगा पा लै इहनूं तेग नूं हाले म्यान विच पा लै किसे नूं कोई समझ नहीं आई कि गुरु की गुरु एक नवां इतिहास सिरज रिहा है कि कल नूं कोई ये अलांबा ना देवे कि पठान दे पुत कोल कोई शस्त्र चंगा नहीं सी इसलिए मार खा गया बराबर दा शस्त्र दिता उसनूं और फिर गुरु भी इकला वो भी इकला ये नहीं भी सिखां ने फड़ लिया जां होर है ऐन न्यां कीता गुरु ने अपने पलंगे नूं युद्ध अखाड़ा बना दिता अज समा आ गया ढुकमां समा जिथे दमदमा साहब के अस्थान से भी 25-25 सिंह रात के टाइम जा के पहरा देंदे सी ते अज सतगुरां ने जदों खेड बरतौनी सी रह रास्ता पाठ होया हजूर बिराजन लगे तो कुछ जान के शरीर की उस तरह प्रक्रिया दिखाई दया सिंह जी कहन लगे भी हजूर आराम करना चाहते है हुण आपां नूं उठ के चले जाना चाहिए पैरे ते खड़े सी दो सिख वो सुस्त हो गए पाणा वरतना सी ना सुस्त हो गए ते उन्हां विचों गुलखां अंदर बड़िया जमशैद खां या अतौले खां जिहनूं कहिंदे ने ओह बाहर खड़िया है इहने जा के अंदर गुरु साहिब ते वार कीता बिजली दी तरह पिया
महाराज साहब जी ने यह वचन किया सिखा भी शस्त्र का कदी भी विसार नहीं करना। महाराज ने यह हुक्म किया जब हमारे दर्शन को आवो तो जो भी मेरे दर्शन करने वास्ते आवो कामर कसा करना और बिना शस्त्र केस ते मैनू दर्शन नहीं देने की लोड़ और मैं तुहानू दर्शन नहीं दूंगा। जब हमारे दर्शन को आवो मन सचेत तन शस्त्र सजावो कमर कसा कर देहो दिखाई हमारी खुशी होया अधिकाई। मेरी बड़ी खुशी होगी तुहाडे ते हजूर हर वेले शस्त्र खास करके तेग का कदी वसा नहीं सी करते अस कृपान। उस वेले महाराज साहब जी ने जदों ने बार कर दिता इतनी फुरती नाल उठे उन्हूं फिर जान नहीं दिता। एक पुरानी लिखत विच ऐसा मिलिया है कि हजूर ने कटार पई सी कटार चक्की एक हथ विच कटार फड़ी एक हथ विच उस दा जामा पकड़ के कहिंदे हुण जाएगा कित्थे बार करके ये न्यूंदा पा के वापस नहीं तू जा सकता लेना पएगा हुण ही। कहिंदे गुरु ने एक हथ तां उधर पकड़िया होया वह नठण दा यतन करदा गुरु नठण नहीं दे रहा दूजे नाल झटके आ के उहदा म्यान डिग जाए म्यान ना डिगया दूजी बार फिर झटकया फिर ना डिगया। कहिंदे तीजी बार झटकया तो म्यान डिगया उत्थे लिखारी लिखदा है कहिंदा इहदा इह गूढ़ रहस्य है इहदे विच कि उहने उन्ने श्वास अजे लैणे सी बाकी रहिंदी सी जिंदगी उह पूरी कर रहे सी खेड़े सी बण गए मारिया खंजर दिल तक लगा दिता। कहिंदा उत्थे इह लिखिया है कहिंदा हाए मां ये शब्द लिखिया उत्ते महाराज उत्ते अपनी बोली विच कहिंदे ने कहिंदे अल्लाह कहो अल्लाह मां कहन का कौन सा वेला है अल्लाह कहो अल्लाह नू याद कर तेरा भला होवे ये बचन लिखे न। ते उस वेले महाराज ने कहा कोई सिंह है भाई भाई संतोख सिंह ते हरदित सिंह नठ के आए अंदर देखिया महाराज दा चिट्टा दुध वर्गा पेशाब खून खून बह रहा है। दौड़ के सिंघां नूं आवाज मारी ते जदों ओह उन्हें देखिया भरा तां अंदरों निकलिया ही नहीं भरा तां पहुँच गया जंदम नूं ओह नठण लगा उहदा पैर रस्से विच फस गया अतौले खां दा सिंघां ने कीमा कीमा कर दिता टुकड़े टुकड़े कर दिता बढ़ के तौले। मां की बात सची हो गई कि तुसीं भी एवें मरोंगे अपने बाप दादी तरह जे मेरे वचन न मन्ने। जदों सारे सिंह कट्ठे हो के महाराज दे कोल गए उदों महाराज दे जिस्म दा खून कला पछाके नूं नहीं लग्या होया बल्कि खून जिहड़ा सी ओह पलंगे ते हेठां नुचड़ नुचड़ के डिग रहा सी बूंदां डिग रहियां सन। सिंघां तों गुरु दा डुल्या खून वेखना होया अखां भर के रो के कहिंदे साईआं सानूं कहिंदा सी तुरक दा वसा नहीं करना इह की हो गया। कहिंदे भाणा सी हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई जो कुछ होया। सिंह रोए कहन लगे पातशाह इस धरती की प्यास ना बुझी तुहाडे पिता का खून पी गई है धरती ये धरती ते खून डुलिया साइया तेरे पुत्रां दा ते अज खून तेरा भी डुलिया इस धरती दे उते। सतगुरु महाराज कहिंदे सिंघो हौसला रखो कुछ नहीं होया। अमर सिंह जरा नूं बुलाया दिल्ली दे तख्त नूं पता लग्या उन्हें शाही जरा भेजे उहदे आउण वेले तां सारा कुछ ठीक हो गया सी। कई दिनों बाद सतगुरु महाराज का जख्म ठीक होया अशनान कीता आराम करन वास्ते बैठे शरीर स्वस्थ हो गया फिर तुरन लग पे शुक्र कीता बड़ा जग कीता ते जरा आए मोड़ दते सिरो पौदे के कहिंदे बादशाह नूं कह दिओ कोई फिक्र करन दी लोड़ नहीं। कुछ उन्हां अमरावां दी गल भाई संतोख सिंह दा उन्हां अमरावां दी गल करदे ने ते कुछ हैदराबाद दे अमीर जादे आए सन ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्हां दी गल करदे शस्त्र सजा के रखे होए ने उन्हां नूं देख के शंका कीती खपरे तीर सी वी इह तां चलाउण जोगे नहीं है इह दिखाउण वास्ते ने। महाराज कहिंदे नहीं सिखां ने कहा गुरु घर जो कुछ है सब कुछ सत है इहदा चेला गुरु आप चढ़दा है कहिंदे असीं नहीं मन सकदे। गुरु साहब ने शस्त्रां दा अपमान नहीं सहा
चिल्ला चाढ़िया, नौ टंक दी चाढ़ते सी कमान गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी, ते जख्म अले सी दुबारे फिर टुट गए। मुड़ के खून लग्या पोशाक नूं, सिंघां कहा महाराज देखो तुसी दूसरी बार फिर तुसी अपने शरीर का ख्याल नहीं रखिया। कहिंदे सिंघो ख्याल किवें रखदा, समा आ गया, जाण दा समा आ गया, हुण जराह नूं लियाउण दी लोड़ नहीं। फिर गल विच पल्ला पा के कहा साइया पहले गुरु तो मर्यादा चली आ रही है, शरीर त्यागण तो पहला दूजे गुरु दे लड़ लाउंदे ने, ते संगत किसके आसरे रहे विचारी, हुण संगत की दे आसरे लो। सतगुरां ने फिर भाई दया सिंह नूं कह के गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया। अज दा दिन सी, अज दे दिन कत्तक सुदी दूज नूं 1765 बिक्रमी संबंत, अज दे दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके ताबिया पांच सिंह खड़े करके जिहदे विच पंजां प्यारियां चों भाई धर्म सिंह, बाबा दीप सिंह जिहड़ा सिर लहे तों भी लड़दे रहे, भाई गुरबख्श सिंह जिहड़ा 30,000 अबदाली दीआं फौजां दा मुकाबला करदा शहीद होया, अकाल तख्त दे कोल उहनां दा शहीद मुंगा अकाल तख्त साहिब दे पिछे, संतोख सिंह लांगरी, हर सिंह जिहड़ा डायरी नित लिखिया करदा सी महाराज दी, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब दे ये बचन अपनी डायरी विच लिखे रोजनामचे विच जिन्हों गोहज पोथी कहिंदे ने, उहदे विच ये दोहरे ने, आ गया पई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है ये भुल जो भी ज्ञानी ज्ञान सिंह दे लिखे। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने जे लिख ले हो दोहरे तो ज्ञानी ज्ञान सिंह दे नहीं बन गए। अज कोई बाणी का शब्द कोई अपनी कापी च लिख ले फिर वह बन जूगा, जिहदे गुरु का उच्चारण किया वह रहूगा। ये गोहज पोथी दे विच संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी दे वेले तक ये पोथी देखी, जथे दे सिंघां ने आप पढ़ी, सुधे आल दे ज्ञानी प्रेम सिंह जी पंडित जिन्हां नूं महापुरश गुरमुख प्रकाश विच लिखदे ने, पंडित प्रेम सिंह, प्रेम सिंह पंडित प्रेम सिंह महाविद्वाना, महाविद्वान लिखिया उस सज्जन नूं, कहिंदे फिर तो भाल तो मन ना टिकाना, वह भी गल लिख दिती, कहिंदे मन टिकाने नहीं है इहदा, ये टिकाणा लभदा फिरदा है, वह भी बचन पूरा हो रहा है। ज्ञानी जी दसदे सी मैनू, कहिंदे मैं वह पोथी आप अपने अखां नाल वेखी पढ़ी, उहदे विच ये दोहरे लिखे हुए सी जिहड़ी हर सिंह दी लिखी हुई डायरी सी, वह अकाली कौर सिंह दे वेले पंजाब विच आई हुई वापस नहीं मुड़ी। देहधारी लोग जिहड़े देह दा विश्वास रखण वाले जिन्हां नूं शब्द गुरु की शोभा चंगी नहीं लगती, उन्होंने खुरद वुरद करती, पंजाब तो वापस नहीं जान दिती डायरी, ये अज तुहाडे हत्थों चली गई। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब की अपनी उचारण की बाणी सरबलो प्रकाश विच महाराज ने पंजे सिंह ताबे खड़े करके पंज पैसे नरे रख के परिक्रमा कीतियां मत्था टेकिया, आपन पौ श्री खालसे संपा, ये अपनी बाणी है हजूर सच्चे पातशाह। दुती रूप सतगुरु ग्रंथा बोलन सतगुर शब्द संपाखन, नाम गोबिंद कीर्तन संथा, गुणन बाद फुन सिफत सलाहन, ऊठत बैठत सहन करंथा, पावन पंथ खालसा प्रगटियो, चार वर्ण आश्रम सु पंथा, इनके दर्श सतगुरु को दर्शन, कदों बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा, जदों गुरु ग्रंथ साहब का शब्द बोलते होणगे उदों सुनन वालियां दे दर्शन करो, तां भी गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे मेरे दर्शन, ते करन वालियां दे करो, रागी सिंघां दे करो, कीर्तन करन वाला, कथा करन वाला, पाठ करन वाला, बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा, वह भी मेरा ही रूप होएगा। द्वाद स्वरूप सतगुरे कही है द्वाद भान प्रगट हर संता, प्रतख कला पार बिनत नीचे, ग्रंथ पंथ खालस प्रतंता, दास गोबिंद फतेह सतगुरु की खास ग्रंथ गुरु रूप बदंता, कहिंदे गुरु ग्रंथ साहब खास ही मेरा रूप है, इनू प्रगट गुरां दी देह मन्नियो। अज दे दिन सतगुरां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक दिता, अज गुरपुरब है, इस गुरपुरब दियां गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरता गद्दी स्थापन होण दे दिन दियां आप सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां होण, ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब दी कथा चलदी रहेगी, ते कल नूं क्योंकि होर महापुरशां ने भी आउणा, ते जिवें जिवें जिहा जिहा समां होएगा ये भी ख्याल रखना पैंदा, आए महापुरशां नूं भी वक्त देना हुंदा ही है, मर्यादा है, ते आओ गुरु कृपा करे कल नूं फिर समय सिर पहुँचना, गुरु स्तोत्र भी सारियां संगतां गज बज के बोलो, तुसी बाबा फतेह सिंह साहब दियाँ, बाबा जोरावर सिंह साहब दियाँ, ते माता गुजर कौर दियाँ खुशियां लै लईयां, किवें
माता जी तो यह खुशियां देंदी होगी मेरे पुत्र का दिहाड़ा मनाने वाले हो जीवन जोगे हो तुसी मेरे पुत्र की याद मनाने हो माता गुजर कौर भी असीसा देगी ते साहबजादे कहणगे साडे पिता का दिहाड़ा मनाने वाले हो मेरे पिता की इज्जत करन वाले हो तुहाडी इज्जत विच किवें नहीं वाधा होएगा ये असीसा तुहानू आओ गुरु स्तोत्र अरदास मुख वाक सतगुरु महाराज का भुलां चुकां की किवें करनी जी सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे पावन बचन ते विछोड़े दे प्रकरण दे विच इह विछोड़ा सहया ना जाए जिस प्यारे सुने हो तिस आगे मर चली है त्रिक जीवन संसार तां के पाछे जीवना सो आओ गुरु स्तोत्र भी जिहड़े हुण तक नहीं बोल सके सारी बोलो भाई रसन सफली होवे धन है वाहिगुरु धन है गुरु नानक साहिब धन है साहिब जी धन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन है धन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन तन है तन है तन है गुरु श्री हर राय जी तन है तन है तन है तन है गुरु श्री हर कृष्ण जी तन है
तन है तेरी साध संगत जी तन है तन है तन है तन है तेरी साध संगत जी तन है तन है तन है तन है तेरी साध संगत जी तन है सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल 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 वाहिगुरु बोल करे जानो वाहिगुरु बोल करे जानो वाहिगुरु बोल करे जानो वाहिगुरु बोल करे जानो वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु तू ठाकुर तू